ग्राम पहरुआ में एक प्राइमरी स्कूल है। पहली से लेकर के पांचवी तक के कुल बच्चे 45 बच्चे हैं और एक ही अतिथि गुरुजी है, शासकीय गुरुजी नहीं है। और वहाँ पर रसोई नहीं है, आंगनबाड़ी से खाना बना करके स्कूल के बच्चों को खिलाते हैं। और उसके साथ में बाउंड्री वॉल नहीं है, तो बाउंड्री वॉल न होने के कारण में रोड में लड़के बच्चे निकल के खेलते कूदते हैं, कई वाहन आते जाते हैं, लेकिन कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। और शौचालय नहीं है तो सोच के लिए नदी नाला में जाते हैं। मैडम जी, यहाँ तो बहुत ढेर सारे कमियाँ हैं। इसमें देखा जाए तो अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो ये टीचर जो रेगुलर टीचर नहीं है इधर, ये अतिथि शिक्षकों के माध्यम से यहाँ इस स्कूल में बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है। रेगुलर मास्टर तो है नहीं है। और साथ साथ में यहाँ देखा जाए तो किचन सेट भी नहीं है, बाउंड्री भी नहीं स्कूल का, और शौचालय का भी यहाँ अभाव, सभी प्रकार का यानी सभी प्रकार के कमियाँ हैं मैडम। इसमें यहाँ बाउंड्री नहीं है इस स्कूल में, करीब रोड के किनारे से स्कूल है, गाड़ी घोड़े चलते रहते हैं, कभी बच्चे स्कूल से निकलते हैं और रोड में चले जाते हैं, एक्सीडेंट होने की संभावना लगता है। यहाँ एक ये कमी है कि यहाँ अगर कोई बाउंड्री अगर हो जाती है स्कूल का एक परिषद के अंदर, तो बच्चे परिषद के अंदर खेलते कूदते और बाहर नहीं जाते। और साथ साथ में यहाँ किचन सेट है तो किचन सेट नहीं है, इसमें जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ खाना बनाया जाता है। कहाँ से पानी ला रहे दीदी? कुआं है, नल? नल है, किलोमीटर। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि अगर यहाँ कोई अच्छे शिक्षा देने वाला अगर रेगुलर टीचर आ जाए इस स्कूल में, तो बच्चों की कुछ और पढ़ाई में तरक्की हो सके। और यहाँ जो शौचालय हैं, शौचालय अगर बच्चियों को और बच्चों को सभी का अगर शौचालय अलग अलग रूप से रहे तो वहाँ उपयोग उनका हो सके, नाला ना मत जाए। इस समस्या को लेकर के गांव वाले ने कई बार आवेदन दिए, लेकिन साल भर हो गई लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। मैं वीडियो देखने वालों से अपील है कि इस पते पर कॉल कर हमारी मदद करें। पता है जनपद पंचायत सिव आर के पालनपुरी, मोबाइल नंबर 9425082807। मैं सूरजिया प्रस्ते, ग्राम पहरुआ, विकास खंड सहपुरा, जिला डिंडौरी, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ट के लिए।